सिंह, हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठिए आतंकवादी और सैनिक चोरी छिपे कारगिल की पहाड़ियों में घुस आए थे। इस घुसपैठ के खिलाफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और एक एक घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया या भागने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध को 23 साल हो चुके हैं, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। इस घड़ी में हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर एक बार ट्विटर पर यहाँ पर राष्ट्रपति जो है एक ट्वीट करती हैं, जिसके बाद से हंगामा मच जाता है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद जो अपना पहला ट्वीट करती है वो कारगिल दिवस को लेकर के है। आपको बता दें कि इस वर्ष हम कारगिल दिवस विजय दिवस जो है वो 23वीं वर्षगांठ उसकी मना रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर शहीदों को याद किया है और उन्हें लेकर ट्वीट किया। द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट में लिखा कि कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को मैं नमन करती हूँ। सभी देशवासी उनके और उनके परिवारजनों के प्रति सदैव ऋणी रहेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का ये पहला ट्वीट है। उन्होंने सोमवार को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर देश की नई राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इससे पहले कारगिल विजय दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र को बधाई देते हुए कहा था कि वो ये दिन देश के सशस्त्र बलों के साहस का प्रतीक है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी याद किया और स्वतंत्र भारत के नागरिकों के साथ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की भी अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कोविड महामारी के दौरान देश के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लोगों को वैक्सीन की 200 करोड़ खुराक देने पर एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस पूरी लड़ाई में देश के लोगों द्वारा दिखाया गया धैर्य, साहस और सहयोग एक समाज के रूप से भारत की बढ़ती ताकत और संवेदनशीलता का प्रतीक है। अब आप इन तमाम मुद्दों से समझ सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो कई अब जो है खुलकर के सामने आने लग गई और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने लग गई हैं। यहाँ पर ट्वीट करती हैं, देश में चल रही महामारी के ऊपर बात कर रही है, देश के युवाओं को लेकर के बात कर रही हैं। अब ये यहाँ पर शहीद दिवस को लेकर के भी ट्वीट करती हुई नजर आई है। अब इससे कहीं ना कहीं विपक्षों के अंदर जो है खलबली साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि विपक्षों ने आरोप लगाया था कि द्रौपदी मुर्मू किसी भी मुद्दे पर बोलती हुई नजर नहीं आएंगी। हालांकि हो इसका उलट रहा है, यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहाँ पर तमाम बड़े मुद्दों पर बोलती हुई साफ नजर आ रही है। आप लोग हमारे रिपोर्ट देख करके क्या लगता है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।